दुनिया के सबसे महानतम फुटबॉलर्स में से एक पेले हमारे बीच नहीं रहे। ब्राजील के इस दिग्गज का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पेले की बेटी केली नेस्मेंटो ने इंस्टाग्राम के जरिए उनके निधन की जानकारी दी। 20वीं सदी के महान फुटबॉलर पेले को कोलन कैंसर था और वो पिछले कुछ दिनों से साओ पाउलो के अस्पताल में एडमिट थे। ज्यादातर फॉरवर्ड पोजिशन पर खेलने वाले पेले को दुनिया का सबसे महान फुटबॉलर कहना गलत नहीं होगा। पेले जैसा खिलाड़ी शायद ही आने वाले सदियों तक पैदा हो। पेले का ओरिजिनल नाम एडसन एंट्रेंस डा नॉस्मेंटो था, लेकिन शानदार खेल के चलते उन्हें कई दूसरे नामों से भी जाना जाता था। पेले को ब्लैक पर्ल, किंग ऑफ फुटबॉल, किंग पेले जैसे कई सारे निकनेम मिले। पेले अपने जमाने के सबसे महंगे फुटबॉलर में से एक थे। साओ पाउलो में बड़े होने के दौरान पेले ने गरीबी के दिन भी देखे। हालांकि उनके पिता ने वो सब कुछ सिखाया जो एक फुटबॉलर को सीखना चाहिए। पेले फुटबॉल नहीं खरीद सकते थे, इसीलिए वे कई बार कागज से भरे मोजे से खेलते थे। यही नहीं, पेले ने स्थानीय चाय की दुकानों में वेटर के रूप में काम किया। पेले ने अपनी युवावस्था में इंडोर लीग में खेला और अंततः 15 साल की उम्र में वो सैंटोस FC द्वारा साइन कर लिए गए। इसके बाद पेले ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पेले अपने पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहे और उन्होंने 3 शादियां की। उनकी पहली शादी रोजमेरी डोस रईस चोरबी के साथ सन 1966 में हुई। इससे उन्हें 2 बेटियां हुई, लेकिन 1982 में उनका तलाक हो गया। सन 1981 से 1986 तक भी मारिया द ग्राका मेनघेल के साथ रिलेशनशिप में रहे। जब पेले ने उनके साथ डेटिंग शुरू की तो मेनघेल सिर्फ 17 वर्ष की थी। इसके बाद पेले ने 1991 में मनोवैज्ञानिक असिसरिया लेमोस सेकोसास के साथ शादी की। सेकोसास और पेले के जुड़वा बच्चे हुए। साल 2008 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया। इसके बाद 2016 में पेले ने मर्सिया ओकी से शादी की।